हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक ट्यूटोरियल और रिव्यू वीडियो ऑफ स्प्रिग टेम्पर्ड ग्लास। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पर्ड ग्लास को लगाना कैसे है, और मैंने एक कवर भी ऑर्डर किया है फॉर आईफोन। तो कवर की क्वालिटी चेक करेंगे। टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, तो मैंने जितने भी फ़ोन मेरे पास थे सबके टेम्पर्ड ग्लास ऑर्डर करे हैं, क्योंकि मुझे स्प्रिग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी है। तो शुरू करते हैं। तो एक मैंने ऑर्डर किया है Realme X3 Super Zoom के लिए, तो इस पर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। सबके प्राइसेस अलग अलग हैं, तो आपको क्लियर वाले 200 से 300 के बीच में मिल जाएंगे। एक मैंने किया है Asus 6G के लिए, इसका 200 के आसपास मुझे प्राइस पड़ा था। और एक किया है मैंने iPhone के लिए, जिसका 300 के आसपास प्राइस पड़ा था। अभी देख सकते हो आप, टूटा हुआ है मेरे का ग्लास। तो मैंने इसका एक ग्लास किया है और कवर किया है, कवर की क्वालिटी चेक करने के लिए कि कैसी क्वालिटी है इसके कवर की। तो अब फटाफट शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्लास्टिक ऑफ कर लेते हैं, और इसमें चेकआउट करते हैं क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं। और इसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिलती हैं, जिनके थ्रू आप इसको ईजिली लगा सकते हो। और मैं आपको आगे लगा के दिखाऊँगा भी कि कैसे अप्लाई करना है इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, यूज़ करके। तो बॉक्स के अंदर आपको एक पाउच मिलता है, जिसमें एक वाइप क्लॉथ मिलता है और एक कार्ड टाइप का मिलता है, जिससे आप डस्ट वगैरह सब हटा सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ एक थैंक यू कार्ड, ये अल्कोहल वाइप, और आपको देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कैसे लगाना है। और ये कुछ स्टिकी नोट मिलते हैं, और मेन आपको मिलता है टेम्पर्ड ग्लास। बाकी आपको स्कैन करके इन्होंने बताया हुआ है अपने YouTube चैनल पे कि कैसे लगाना है। ये सिंपल सा ग्लास है, ये आईफोन का ग्लास है। अब दूसरे को अनबॉक्स कर लेते हैं, कवर को। कवर की क्वालिटी चेक करते हैं कैसी क्वालिटी है कवर की। और ये मैंने किया था रबड़ वाला, रेड कलर में, तो काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। और ये है एक मैट फिनिश में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी एंड में लगा के चेक करेंगे। अब टेम्पर्ड ग्लास लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अल्कोहल वाइप को निकालना, और फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ कर लेना है काफ़ी अच्छे से। कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह या कुछ भी गंदा नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बबल्स वगैरह आ सकते हैं, वो सबको हटा देना है आपको अच्छे से घिस घिस के अल्कोहल वाइप की हेल्प से। देन आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है, एक डस्ट रिमूवर इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आपको जस्ट ग्लास को रख के देखना है, और अच्छी सी पोजीशन में स्टिक करके स्टिकी नोट की हेल्प से आप इसको एक जगह पे लॉक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप स्टिकी नोट, कोई नॉर्मल टेप के थ्रू भी ये लगा सकते हो, जिसके साथ ये नहीं आते हैं। तो पोजीशन में अलाइन करने के बाद आप यहाँ कॉर्नर्स पर दोनों पर टेप लगा दीजिए। इतना काम करने के बाद देख लीजिए कैसी पोजीशन है इसकी, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ सही होना चाहिए। देन आपको जस्ट टेम्पर्ड की प्लास्टिक को हटा देना है। तो अब इसको उठाकर आप ये प्लास्टिक हटाओगे, एक बार फिर से साफ़ कर लेते हैं। कोई भी डस्ट का पार्टिकल गलती से भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर बबल्स बना देते हैं। तो मैंने फिर से एक बार साफ़ कर लिया है, और अब ये प्लास्टिक रिमूव करके आपको ग्लास को जस्ट इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। और एक गलती से डस्ट पार्टिकल आ गया, मैंने उसको हटा दिया है, और ये मैंने रख दिया। और ये थोड़ी देर में जस्ट एक फिंगर की हेल्प से अच्छे से एकदम लग जाएगा। और जहाँ पर जो भी आपको छोटे छोटे बबल्स दिखें, उसको स्टिकर की हेल्प से आप गायब कर सकते हो, इजीली वो वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये ही सिंपल सा स्टेप है। अब आप ये स्टिकर्स हटा सकते हो दोनों साइड वाले, और आपका टेम्पर्ड ग्लास रेडी टू यूज़ है।
तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इसको लगाने के, बस थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है और मेक श्योर आपके पास एक लाइट वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब गाइज मैंने अपने सारे फ़ोनों पर टेम्पर्ड ग्लास लगा लिया है, आसूस पर भी और रियलमी पर भी और आईफोन पर भी, तो मैं दिखाता हूँ। रियलमी पे थोड़ा सा बड़ा है ग्लास, बट ठीक ठाक ये लग गया है और काफ़ी स्मूथ फ़ोन चल रहा है और आपको एकदम हाई क्वालिटी के टेम्पर्ड देखने को मिलते हैं। आसूस पर ये एकदम सही फिट बैठा है, पूरी स्क्रीन कवर हो गई है, डिस्प्ले वाला पार्ट एकदम कवर्ड है, बस थोड़ी सी ऊपर जगह बच गई है, नीचे ठीक है और काफ़ी स्मूथ ये चल रहा है। तो आपको एकदम हाई क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास स्प्रे के देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्मूथ फ़ोन की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आईफोन पर भी मैंने लगा लिया है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर कवर नहीं करता है, सिर्फ आपकी डिस्प्ले को कवर करेगा और बहुत ज़्यादा स्मूथ मुझे फ़ोन को चलाने में लग रहा है। अब इसका कवर भी लगा के देख लेते हैं, तो कवर भी एकदम अच्छे से फिट आया है और काफ़ी अच्छी कवर की क्वालिटी है और सारे कटआउट वगैरह भी एकदम सही आपको देखने को मिल जाते हैं इस कवर में भी, तो एकदम परफेक्ट है कवर भी, मुझे काफ़ी पसंद आया। स्प्रिग की तरफ से आपको काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलते हैं और डिस्काउंट कोड 20 ऑफ आप लगा सकते हो, जिससे आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, तो आप इनके लिए बिल्कुल जा सकते हो अगर कोई आप हाई क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लासेस देखना चाह रहे हो। और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, 6-7 महीने आराम से ये चलते हैं, एकदम स्मूथ आपको फील आएगी फ़ोन चलाने में भी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना।